जैसा कि मेजर मोहम्मद अली शाह साहब ने कहा कि भाई मानवता आहत हुई है, मानवता इस वक्त घायल हुई है, लेकिन फिक्र किसको है? किसी को फिक्र नहीं है। देखिए विरोध प्रदर्शन तो हो रहे हैं, ये जो संघर्ष चल रहा है इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहे हैं अपने अपने तौर पे। जो लोग इस लड़ाई के विरुद्ध है या जो चाहते नहीं है कि फिलिस्तीन के ऊपर ये नाजायज कब्जे की तैयारी जो इसराइल कर रहा है उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन का फल तो जब आएगा जब ये दुनिया के बड़े देश जिन जो हुक्मरान है, जो बिग ब्रदर है इस दुनिया का, वो लोग अगर सब कहेंगे कि नहीं रोकिए आप, तो विरोध तब ये सीज फायर होगा। लेकिन इस सीज फायर को होने नहीं देंगे ये बड़े लोग, क्योंकि इनके यहाँ इनकी जो हथियार बनाने वाले जो कंपनियां हैं उनका धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी बड़े लोग हैं इन सब के हथियारों के सबसे बड़े ये लोग सप्लायर हैं दुनिया भर में। आप जानकर, दर्शकों को ये जानकर अचरज भी होगा और उनको जानकारी भी दे दूं कि दुनिया भर में जितनी भी ये जो जिस दिन ये जंग छिड़ी उसी दिन दुनिया में जितनी भी हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, वो चाहे अमेरिका की हों, चाहे फ्रांस की हों, या साउथ कोरिया की हों, या कहीं की भी हों, ये लॉकहीड F-16, ये सब इन कंपनीज के शेयर्स में उछाल आया तुरंत। उनको उछाल क्यों आया कि भाई ये तो लड़ाई चलेगी और इसमें हमारा धंधा चमकेगा। तो जो जो उन देश के हुक्मरान हैं वो तो सबकी अर्थव्यवस्थाओं की वाट लगी हुई है आजकल, तो उनको तो लगता है कि ये तो अच्छा मौका आ गया, जो मरेगा सो मरेगा। उनके देश के लोग थोड़ी मर रहे हैं, इसराइल वाले मरेंगे या फिलिस्तीनी मरेंगे, तो उनका ये वो जो आपने कहा ना कि उन्होंने आए, जो आज सुनक भी पहुंच गए हैं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो आपने कहा कि भाई इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि हाँ भाई इसराइल तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसराइल लड़ेगा संघर्ष करेगा, उधर से फिलिस्तीन का जवाब देगा, उधर फिलिस्तीन की तरफ से भी जो अब इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड एकता हो गई है अरब लीग में, जो अरब कंट्रीज है जो कि अभी तक इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, कुछ इसराइल के साथ जाने की तैयारी हो रही थी अब्राहम रिकॉर्ड के अकॉर्ड के तहत, तो वो सब खटाई में पड़ गया है। तो अब ये और इसमें भी और नई बात ये भी है कि जो ये बताया जा रहा है कि ये जो सऊदी अरब है या इजिप्ट है, ये भी बहुत बड़े खरीदार हैं अमेरिका के हथियारों के। तो अब सऊदी अरब जब फिलिस्तीन के साथ है तो आप देख लीजिएगा भाई, जो हबास है उनके पास तो अपनी कोई ताकत नहीं है ना, वो तो ऐसा थोड़ी है कि वो कोई बहुत रिच संगठन है, वो तो संघर्ष कर रहे हैं अपनी जमीन के लिए। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।